हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैंडी फोर्स कैप्सूल का रिव्यू। तो इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों, बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका पैकिंग वगैरह दिखा देता हूँ, किस तरीके का इसका पैक है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि इस पर मेंशन है कैंडी फोर्स 200 mg। और बात करते हैं इसके MRP की, तो दोस्तों इसका MRP है 153 रुपये। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंपनी के बारे में। तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी इसको बनाती है, इस दवाई को मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साल्ट के बारे में, कि किन चीज़ से मिलकर ये दवाई बनी है, इसका साल्ट क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर इट्राकोनाजोल होता है 200 mg। इस साल्ट से मिलकर ये दवाई बनी है, ये कैप्सूल बना है। और अब आपको मैं इसका पीछे से भी दिखा देता हूँ। इस तरीके का दोस्तों पत्ता होता है ये, और एक पत्ते के अंदर 7 कैप्सूल निकलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके यूजेस के बारे में, कि इस दवाई को किस किस कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आपको दाँत, खाज, खुजली, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, एलर्जी वगैरह है, तो ये दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी दवाई है फंगल इन्फेक्शन के लिए और स्किन एलर्जी के लिए। और आपको अगर जो है दांत, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है, और दोस्तों अगर आपको काफ़ी दिनों से दांत, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और आपको दवाई लेते हो, आपको ठीक हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है, तो दोस्तों उस पोजीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दवाई है ये। दवाई खाने से दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो ज़्यादातर स्किन के डॉक्टर भी जो है सबसे पहले कैंडी फोर्स 200 जो है ये वाली मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये दवाई काफ़ी अच्छा वर्क करती है फंगल इन्फेक्शन में, और काफ़ी इससे बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन की, आपको लाल लाल चत्ते पड़ जाते हैं, आप काफ़ी दिनों से परेशान हो इस प्रॉब्लम से, आपको दांत, खाज, खुजली रहती है और सालों से आपको ये दिक्कत है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दवाई है, इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। और दोस्तों, आपको ये दवाई आपके किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। तो आपको जो है सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही आप इस दवाई को ख़रीदने जाएं, क्योंकि दोस्तों इस दवाई को लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरीके से दवाई लेनी है, और इस दवाई के बारे में सारी डिटेल वो आपको डॉक्टर समझा देगा। तो दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी दवाई है, आप इस दवाई का यूज़ करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है, इसका डोज़ वगैरह क्या है। तो दोस्तों, वो आप डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी है। दोस्तों, आपको कब कितनी प्रॉब्लम है, थोड़ी है या ज़्यादा है, या कितने समय से आपको प्रॉब्लम है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको ये दवाई कैसे खानी है और कितने दिनों तक खानी है। तो दोस्तों, इस दवाई का कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, दवाई कुछ दिनों तक खाते हैं, फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दवाई का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, दवाई जो है इसकी सही डोज़ लेना भी ज़रूरी है, और इस दवाई का कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वो आपको डॉक्टर सबसे बता देगा कि आपको कितने दिन तक दवाई खानी है और कितने दिनों का कोर्स करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, आपको कितने दिन से प्रॉब्लम है या कितने एरिया में आपको फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो दोस्तों इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस दवाई को अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो आप एक कैप्सूल डेली खाना होता है खाना खाने के बाद। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो सुबह शाम खाना होता है। इस तरीके से इसकी डोज़ होती है। और दोस्तों, कितने दिनों तक खाना है वो तो आपको डॉक्टर ही बताएगा कि आपको कितने दिनों तक खाना है, कोर्स पूरा करना है इसका। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करें, और काफ़ी अच्छी दवाई है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस दवाई के थोड़े बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, कि जैसे कि आपको खाने के बाद हो सकता है थोड़ा जी मचले, उल्टी जैसा मन करे आने का, हो सकता है थोड़ा सा डायरिया भी हो जाए या पेट में हल्का फुल्का पेन हो जाए। तो दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम जो है ज़्यादा जो है कुछ ही लोगों में होती है, ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़े बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी किसी किसी को होता है। तो दोस्तों,
इस तरीके से आपको जैसे मैंने बता दिया है इसकी डोजेस के बारे में और इसको कैसे लेना है और किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों ये था कैंडी फोर्स 200 कैप्सूल का रिव्यू। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों फिर भी इस मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।